तो यार जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एस क्लास हीरो ड्रायोनाइट ने ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर नियान की बहुत बुरी हालत कर दी थी एक तगड़ी फाइट के बाद। लेकिन वेट, ऐसा सोचने की गलती मत करना कि ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर यानी कार्ड रेस एस क्लास हीरोज के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं तुम्हें शो करूंगा कि मॉन्स्टर एसोसिएशन के कार्ड रेस ने एस क्लास हीरोज की क्या हालत कर दी है। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जेनोस इस ऑपरेशन को कैसे ज्वाइन करता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो सीन की शुरुआत में हमें दिखाया था ये बंदा जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहा होता है। अरे अरे वैसा वाला एक्साइटेड नहीं, बंदा खुश हो रहा होता है क्योंकि फाइनली वो और बाकी सारे छोटे मोटे हीरोज इस कार्डर लेवल मॉन्स्टर यानी नियान से बच गए बिकॉज ऑफ ड्रायोनाइट। लेकिन इस चीज से भी ज्यादा उसे इस बात की खुशी थी कि कार्डर लेवल मॉन्स्टर्स की भी कोई औकात नहीं है एस क्लास हीरोज के सामने। लेकिन इसी बात पर ड्रायोनाइट उसे रोक देता और ये बोलता है कि तुम गलत समझ रहे हो, ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रांग था, क्योंकि अगर ड्रायोनाइट स्टार्टिंग से ही लड़ता इस मॉन्स्टर से तो शायद हार भी सकता था। लेकिन क्योंकि वो काफी देर से देख रहा था हीरोज को लड़ते हुए तो उसकी फाइटिंग स्टाइल फाइटिंग टेक्निक भी पता थी इस मॉन्स्टर के बारे में, और ऊपर से ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट और रेकलेस भी था, इसलिए वो इतनी आसानी से हरा पाया। जो चीज सुन के हीरो एसोसिएशन का ये एग्जीक्यूटिव शॉक कि ऐसा था तो तुम पहले से क्यों नहीं आए हमारे साथ फाइट करने, हो सकता है अगर हम सब मिलके फाइट करते तो इसे हरा भी देते। तो इस पे ड्रायोनाइट साफ क्लियर कर देता है कि यही मेरा फाइट करने का तरीका है, बिना डेटा के बिना एनालाइज किए अपने ओपोनेंट को मैं फाइट करता ही नहीं। जो चीज सुन के ये एग्जीक्यूटिव चुप, क्योंकि उसे थोड़ा बहुत तो लग रहा था कि हाँ ड्रायोनाइट की बात सही है, लेकिन स्टिल यार इतने सारे हीरोज को इंजर होने के बाद ड्रायोनाइट जब फाइट करने आया पहले आता तो इतनी सारी कैजुअलिटीज को रोका जा सकता था। जिस वजह से उसे चाइल्ड एम्परर की बात भी याद आती है कि कोई ना कोई हीरो एसोसिएशन में मूल है यानी जासूस है, ट्रेटर है जो कि काम कर रहा है किसी और के लिए। जिस पे जब वो एग्जीक्यूटिव ड्रायोनाइट से पूछता है कि तुम इतने टाइम से कहाँ थे, हम तुमको कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से तुम हीरो एसोसिएशन के इस ऑपरेशन में एक साथ हीरोज के साथ जा भी नहीं पाए। तो इस पे ड्रायोनाइट कुछ बोलता नहीं है, सीधे उस एग्जीक्यूटिव को शो करता है मॉन्स्टर एसोसिएशन का पूरा मैप और साथ ही साथ कार्ड्रेज और बाकी सारे काफी ताकतवर मॉन्स्टर से रिलेटेड डेटा जो कि उसने इतनी देर जासूसी करने के बाद कलेक्ट किया है। और इसके बाद ड्रायोनाइट यही नहीं रुकता, वो ये भी बोलता है उस एग्जीक्यूटिव से कि मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन ये सारा डेटा पहले ही देना चाहता था सारे हीरोज को, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि ये सारा डेटा किसी ट्रेटर के हाथ में लग जाए। और ट्रेटर वर्ड सुनते ही ये एग्जीक्यूटिव शॉक्ड और काफी ज्यादा सरप्राइज, जिसके बाद वो ड्रायोनाइट से तुरंत ही पूछता है अ ट्रेटर डू यू नो समथिंग। तो इस पर ड्रायोनाइट बड़े ही काल्मली बोलता है उससे, बिफोर वी गेट टू डेट मुझे हीरोज की करंट सिचुएशन के बारे में बताओ। इसके बाद जब वो एग्जीक्यूटिव पूरी सिचुएशन के बारे में बताता है ड्रायोनाइट को कि कैसे सारे हीरोज कहीं ना कहीं बिजी हैं या तो फाइट करने में या फिर रेस्क्यू करने में या फिर इंजर हो चुके हैं, तो ड्रायोनाइट इस पे ये बोलता है कि अगर अभी कोई इमरजेंसी आती है तो कोई भी हीरो कैपेबल नहीं है मदद करने के लिए, राइट। जिस वजह से हीरो एसोसिएशन इज इन वाइड ओपन, जिस पे ये एग्जीक्यूटिव लाइक तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, जिस पे ड्रायोनाइट ये रिवील करता है कि हीरो एसोसिएशन की ज्यादातर टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग डिफेंस एंड ऑफेंस सब कुछ परफॉर्म की है यानी उसने इन्वेंट की है उसने बनाई है। क्या हीरो एसोसिएशन का इतना ज्यादा ट्रस्ट करना सही है एक ऐसे बंदे पे जिसका कि उन्होंने चेहरा भी नहीं देखा? जी हाँ, ड्रायोनाइट के अकॉर्डिंग ट्रेटर बफॉई है यानी मेटल नाइट जिसने बनाया, जिस पे ये एग्जीक्यूटिव ऑब्वियसली प्रूफ पूछता है और प्रूफ के तौर पर ड्रायोनाइट काफी सारी चीजें बताता है इस एग्जीक्यूटिव को जो कि ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस एग्जीक्यूटिव के भी अकॉर्डिंग ड्रायोनाइट के पास कोई एक्चुअल प्रूफ नहीं है, मतलब कहानी दे रहा है कुछ सिचुएशंस बता रहा है लेकिन एक्चुअल प्रूफ लाइक वीडियो ऑडियो इनमें से कुछ भी नहीं है। लेकिन स्टिल चांस ना लेके वो हीरो एसोसिएशन को कॉन्टेक्ट करके इस सब के बारे में बताना चाहता था और करता भी एक और, लेकिन तभी अचानक से एक अटैक आता है और इस एग्जीक्यूटिव के हाथ को उड़ा देता है उसके फोन के साथ साथ। और ये अटैक पता किसका था? इस रोबोट का जिसका की सामना हुआ था एटॉमिक समुराई से, इस वीडियो में डिस्कस कर रखा है इफ यू वांट। अब ऑब्वियसली ये एग्जीक्यूटिव ड्रायोनाइट से बोलता है कि तुम देख क्या रहे हो, खत्म करो इसे भी। तो इस पर ड्रायोनाइट पहले तो चुप हो जाता है, फिर ये बोलता है सॉरी मेरी सारी एनर्जी सारी पावर खत्म हो गई पिछली फाइट में और उससे पहले जो मैं जासूसी कर रहा था मॉन्स्टर एसोसिएशन में डेटा के लिए इनकी वजह से, जिस वजह से फाइट करना तो छोड़ो मैं मूव भी कुछ ही टाइम कर पाऊंगा। जिस पे ये एग्जीक्यूटिव पसीने छोड़ देता है कि अब क्या करना चाहिए, एस क्लास हीरो भी कुछ नहीं कर सकता फिलहाल मैं तो,
और बाकी सारे हीरोज इंजर्ड पड़े हुए हैं जमीन पर। जिस पे ये बंदा यही सोचता है कि क्या ना चाहते हुए भी उसे खुद ही फाइट करनी पड़ेगी, वो भी सिर्फ एक हाथ के साथ। इतने में उस टूटे फूटे रोबोट में से, उसके कोर में से एक छोटा सा रोबोट निकलता है और तुरंत ही इस एग्जीक्यूटिव पे अटैक कर देता है। इतने में बहुत ही तगड़ी एंट्री होती है जेनोस की, जो कि सरप्राइज अटैक करता है पीछे से इस रोबोट पे और सिर्फ एक अटैक में यानी एक किक में कुछ ऐसी हालत कर देता है इसकी। और जेनोस इसी के साथ ये भी रियलाइज करता है कि ये वही रोबोट है जिससे कि वो सीजन 2 में लड़ा था स्टार्टिंग में, याद हो तो तुम्हें, बट उसका अपग्रेडेड वर्जन है। लेकिन स्टिल जेनोस और भी ज्यादा तेजी से अपग्रेड हो रहा है, इसलिए इतनी आसानी से हरा देता है उसे। जिसके बाद वो तुरंत ही उस एग्जीक्यूटिव से सिचुएशन का जायजा लेता है कि क्या चल रहा है भैया यहाँ पर। इसका सीन चेंज होता है और हम देखते हैं फिर से इस हीरो को, जो कि इस हॉस्टेज को सेफ जोन की तरफ ले जा रहा होता है, पिछली वीडियो से अभी तक पहुंचा ही नहीं है। लेकिन तभी पीछे से बहुत स्पीड में एक चीज आती है जो कि होता है जेनोस, और वो सारे हीरोज को अपने पीठ पर लेकर ले जा रहा होता है सेफ जोन की तरफ। एंड ऑब्वियसली इतने भारी भरकम बोझ होने के बावजूद वो इन दोनों को भी इंक्लूड कर लेता है, और यही सब काफी नहीं था तो वहां पर मॉन्स्टर्स भी आ जाते हैं उन पर अटैक करने। लेकिन स्टिल जेनोस समाव मैनेज कर जाता है सही जगह पे सिक्योरिटी जोन में ले जाने में उनको, जिसके बाद इन सबको ट्रीट कराया जाता है, इस एग्जीक्यूटिव को भी ट्रीट कराया जाता है। जिसके बाद जेनोस की हीरो एसोसिएशन के लीड एग्जीक्यूटिव से बात भी होती है, इसको ऑपरेशन में इंक्लूड कर लिया जाता है, यानी जेनोस भी ऑपरेशन में पार्ट लेता है और वहां से निकल जाता है। जिसके बाद हमें ये शो करा जाता है कि कैसे जेनोस ने उन सबको लिया और ड्राइवनेट का क्या हुआ। तो यार जेनोस जब इन सारे हीरोज को अपनी पीठ पे बांध रहा था तो वो ड्राइवनेट से भी बोलता है कि वो उसे भी ले आ सकता है वो चाहे तो, लेकिन ड्राइवनेट इस बात से इनकार कर देता है। जिसके बाद हमें ये भी रिवील होता है कि न्यान पूरी तरह मरा नहीं था, वो अभी भी सांसें ले रहा था, जिस वजह से ऑब्वियसली जेनोस बोलता है कि लाओ मैं इसे खत्म कर देता हूँ। तो इस पे ड्राइवनेट मना कर देता तुरंत ही और ये बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं हैंडल कर लूंगा। जिस पे जेनोस बड़ी शक की निगाहों से बोलता है उससे, तुम इसके साथ क्या करने की सोच रहे हो। तो इस पे ड्राइवनेट बोलता है कि डायसेक्शन स्टडी ये सब कुछ करूंगा, इसकी चीर फाड़ करके इसके वेपन्स को मैं अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे मिमिक कर सकता हूँ, सो डेट मैं अपनी वेपनरी अपनी पावर बढ़ा सकूं। जो सुन के ऐसी हालत में न्यान भी बोल पड़ता है, अगर मुझे पता होता कि ये बंदा इतना स्ट्रांग है और मेरे साथ क्या करना चाहता है तो मैं कभी लड़ता ही नहीं। ना सिर्फ हीरो एसोसिएशन में एक बंदा ऐसा है जो कि सिंगल पंच के साथ कार्ड रेस को खत्म कर सकता है, बल्कि एक ऐसा हीरो भी है जो कि उन पर स्टडी करना चाहता है, उनकी चीर फाड़ करना चाहता है। अब सिंगल पंच सुनते ही जेनोस के दिमाग की घंटी बजती है कि सेटम ऑफ सेंसे हैज जॉइंड द बैटल, और पता है यही रीजन है कि जेनोस इस ऑपरेशन को ज्वाइन करता है, किसी के कहने पर या फिर मना करने पर नहीं। इसका सीन चेंज होता है और हमें दिखाया था चाइल्ड एम्परर, जो कि यही वंडर कर रहा होता है कि अचानक से सारे एस क्लास हीरोज के मैसेजेस आना क्यों बंद हो गए। और तभी वो ये देखता है कि ए क्लास के टॉप 3 हीरोज जमीन पे पड़े हुए हैं बहुत ही बुरी हालत में, और ये हीरोज और कोई नहीं एटॉमिक समुराई के स्टूडेंट्स थे। अब ऐसी हालत में देख के वो तुरंत ही उनके पास जाता है और सोचने लग जाता है कि हो क्या रहा है, इतने तगड़े इतने स्ट्रांग हीरोज ऐसी हालत में क्यों पड़े हैं यहाँ पर। जिस पे ये ए क्लास रैंक 2 इयान बताता है चाइल्ड एम्परर को कि तुम अकेले हो, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हुई, तुम्हें जल्दी ही यहाँ से भागना होगा, इट्स स्टिल इन दी वेसिनिटी। इतने में चाइल्ड एम्परर पर एक सरप्राइज अटैक होता है और ये अटैक और किसी का नहीं एक कार्डरे का होता है। इसके बाद हमें तुरंत ही फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कि हमें ये शो कराया जाता है कि ये तीनों सोर्समैन इस वीडियो में जब मॉन्स्टर एसोसिएशन से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं तो इसी सब के दौरान उनका सामना होता है इससे, यानी ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर नेम्ड एज इवल नेचुरल वाटर, जिसको कि स्टार्टिंग में तो ये हीरोज मजे में लेते हैं कि आसानी से हरा देंगे इसको, लेकिन जल्दी ही उन्हें रियलाइज हो जाता है कि इवल नेचुरल वाटर को ऐसी कैद में क्यों रख रखा है और क्यों इसे कार्डरे की पोजीशन दे रखी है मॉन्स्टर एसोसिएशन में। क्योंकि इवल नेचुरल वाटर जेट स्ट्रीम की तरह अटैक कर सकता था, जो कि किसी भी चीज को काट के रख सकती थी फिर चाहे वो स्टील क्यों ना हो, साथ ही साथ फिशेस को भी कंट्रोल कर सकता था। और भैया ये तीनों तो स्पोर्ट्समैन थे ना, अब वाटर को कैसे काट सकते थे वो, और इसलिए इन तीनों के लिए इवल नेचुरल वाटर को हराना इम्पॉसिबल हो गया था। इसका सीन चेंज होता है और हमें वापस चाइल्ड एम्परर और इवल नेचुरल वाटर की फाइट पर लाया जाता है, जहां पर कि हम ये देखते हैं कि यार चाइल्ड एम्परर बच्चा ही क्यों ना हो लेकिन अच्छा खासा इवल नेचुरल वाटर के अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, और कुछ अटैक्स में ही वो ये एनालाइज कर लेता है कि हाँ वो इस मॉन्स्टर को हरा सकता है क्योंकि उसके पास एक तरीका है या फिर बोलूं एक टूल है इस मॉन्स्टर को ठिकाने लगाने का। अब ऑब्वियसली यार वाटर की दो ही तो कमजोरी होती है, एक तो फायर और दूसरा उस वाटर को बर्फ में कन्वर्ट कर देना, तो उन्हीं में से एक अपना था चाइल्ड एम्परर, जो कि था फ्रीजिंग डेड मॉन्स्टर बाय यूजिंग हिज टेक
एंड दैट्स इट। इसके बाद चाइल्ड एम्परर बड़ा खुश कि एक काडरे को उसने इतनी आसानी से हरा दिया, एंड शायद प्रोबेबली इवन नेचुरल वाटर हार भी जाता। लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब अचानक से वहां पर एंट्री होती है इस मॉन्स्टर की, जिसको कि चाइल्ड एम्परर ने पहले ही एग्जीक्यूट कर दिया था इस पहली वाली वीडियो में ही। लेकिन समहाउ ये बच जाता है और चाइल्ड एम्परर से बदला लेना चाहता है, जिस वजह से वो इवन नेचुरल वाटर की हेल्प करने की बोलता है। लेकिन इवन नेचुरल वाटर था तो एक मॉन्स्टर ही ना, तो भैया मॉन्स्टर किसका साथी और किसका दोस्त और किसका दुश्मन, सब कुछ एक बराबर है। इस वजह से वो इसी मॉन्स्टर का यूज करके पूरा ऑयल इस मॉन्स्टर में से एब्जॉर्ब कर लेता है और अपनी बॉडी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसे बहुत ज्यादा कम कर लेता है। एंड हेंस इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद चाइल्ड एम्परर के कोई भी फ्रीजिंग अटैक इवन नेचुरल वाटर पर काम ही नहीं करते, जिस चीज से चाइल्ड एम्परर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि ये मॉन्स्टर है तो सिर्फ वाटर से बना हुआ। लेकिन ये इस हद तक सोचने की भी कैपेबिलिटी रखता है कि उसने चाइल्ड एम्परर के अटैक्स की कमजोरी निकाल ली अपने आप को ऑयल के साथ स्ट्रेंथन करके। और इससे पहले कि चाइल्ड एम्परर कुछ कर पाता, इवन नेचुरल वाटर सिर्फ अपने पहले ही अटैक में, यानी ऑयल के साथ कंबाइन होने के बाद पहले ही अटैक में चाइल्ड एम्परर को इंजर भी कर देता है। और इस बार कोई छोटा मोटा स्क्रैच नहीं था, सीरियसली इंजर कर देता है उसके पैर को। इसके बाद हमें जेनोस दिखाया जाता है जो कि इस ऑपरेशन में जल्दी से जल्दी एंटर करना चाहता था, यानी मॉन्स्टर एसोसिएशन की तरफ बढ़ रहा था तेजी से, और साथ ही साथ सारे ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर्स यानी काडरेस को एनालाइज कर रहा था, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी पावर्स, वो कैसे दिखते हैं, ये सब कुछ चेक कर रहा था, सो डेट अगर उसका सामना किसी से होता है तो हेल्प हो सके उसकी। लेकिन तभी उसे ये रियलाइज होता है कि सेइटामा सेंसेई तो ऑलरेडी बैटल में एंटर कर चुके हैं, हो सकता है उन्होंने पहले ही इन सबको मार दिया हो। लेकिन जेनोस सॉरी, इस बार तुम गलत हो, क्योंकि सेइटामा फ्लैशी फ्लैश के साथ भटक रहा होता है मॉन्स्टर एसोसिएशन में, उसे रास्ता नहीं मिल रहा होता है। और इसी दौरान वो मनाको से मिलता है, यानी इस मॉन्स्टर से जिसके की साथ उसका फुल एडवेंचर इस वीडियो में कवर कर रखा है। इसके बाद हमें एक एक करके सारे जो एस क्लास हीरोज हैं कार्ड्रेस से जो लड़ रहे हैं उन सब की फाइट की एक एक ग्लिम्स दिखाई जाती है, और इन सारी ग्लिम्स से ही तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि एक कार्ड्रे एस क्लास हीरो की क्या हालत कर सकता है। सबसे पहले पिगोर जिसके की गम्स कुछ ऐसी हालत कर देता है, उसके बाद एटॉमिक समुराय जिसके की ब्लैक स्पर्म कुछ ऐसी हालत कर देता है, इसके बाद ज़ॉम्बी मैन के तो बीच में छेद ही कर देता है होमलेस एम्परर। इसके बाद अभी रिसेंट में जो चाइल्ड एम्परर का सामना हो रहा था इवन नेचुरल वाटर से, उस फाइट का नतीजा कुछ ये निकलता है, और अमाई मास्क जो कि एस क्लास हीरो भले ही नहीं था लेकिन उतना ही ज्यादा पावरफुल था, उसकी कुछ ऐसी हालत हो जाती है अगली फर्क के सिर्फ फेस को देखकर। एंड वन मोर पर्सन जो कि है फ्री फ्री प्रिजनर, उसकी गारों से पिटने के बाद कुछ ऐसी हालत है। और इसके बाद हमें नरेटिवली ये भी एक्सप्लेन कराया था कि भले ही इन सारे एस क्लास हीरोज को ह्यूमन सोसाइटी में मॉन्स्टर की तरह माना जाता हो, लेकिन जब इनका रियल मॉन्स्टर से सामना हुआ है तो ये सारे एस क्लास हीरोज एक बहुत पुराने इमोशन को फील करते हैं जो कि वो भूल चुके थे, और उस इमोशन का नाम है फियर। लेकिन स्टिल हीरो एसोसिएशन का लीडर यानी ये बंदा, इसको पता था कि काफी ज्यादा मुश्किल आ सकती है, लेकिन स्टिल उसने इस ऑपरेशन पर भेजा सारे एस क्लास हीरोज को सिर्फ एक बंदी के भरोसे पर, जो की थी तात्सुमा की। एंड यार ये बंदी उसके एक्सपेक्टेशन पे खड़ी भी उतरती है और ग्योरो ग्योरो की कुछ ऐसी हालत कर देती है, जो कि खुद भी एक ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर था। इसके बाद हमें ये रिवील होता है कि ग्योरो ग्योरो तो कुछ नहीं था, एक पपेट था, उसको तो कंट्रोल कोई और कर रही थी जो की थी साइकोस, और हमें साइकोस की पहली झलक दिखाई जाती है। इसके बाद साइकोस की फाइट होती है तात्सुमा की से, ऑब्वियसली क्योंकि मैंने कंप्लीट डिटेल में अगेन इस वीडियो में कवर कर रखी है ऑलरेडी। इसके बाद सीन चेंज होता है और पिछली वीडियो वाली फाइट यानी बैंग बॉम्ब और फुबुकी वर्सेस रोवर वाली फाइट यहाँ कंटिन्यू होती है। इसी दौरान में ये दिखाया जाता है कि ये तीनों रोवर से बचकर भाग रहे होते हैं, क्योंकि भैया उसके ऐसे अटैक्स के आगे वो कर भी क्या सकते थे, जिसके बाद वो छुपने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन भैया रोवर था तो कुत्ता ही ना, सूंघ कर पहचान लेता कहाँ पर है, और वो फिर से उनके पीछे लग जाता है और ठीक उनके सर के ऊपर इतना डिस्ट्रक्टिव अटैक करता है। लेकिन बैंग और बॉम्ब मिला, ये क्या हुआ, हम तो बिल्कुल सही है, एक स्क्रैच तक नहीं आया। जिसके बाद हम सबको रिवील होता है कि ऐसा होने का रीजन था फुबुकी एंड हर पावर्स, और पता नहीं क्यों फुबुकी बड़ी ही ज्यादा बैडएस बनने की कोशिश करती है, बैंग और बॉम्ब से भागने की बोलकर वो संभाल लेगी रोवर को, थोड़ा टाइम उनके लिए निकाल लेगी भागने के लिए, ऐसा बोलकर उन दोनों से इस फाइट से एस्केप करने की बोलती है। और यही नहीं, वो अपनी पावर से उन दोनों की बॉडी को रेनफोर्स भी कर देती है जिससे कि उन्हें भागने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके बाद जब रोवर 2-3 अटैक एक साथ करता है तो फुबो की पूरी जान लागे एक साथ उन सबको रोकने की कोशिश करती है, बट ऑब्वियसली वो अकेली ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए बैंग और बॉम्ब उन तीनों अटैक्स से ना सिर्फ खुद बचते हैं
बल्कि फुबुकी को भी बचाते हैं और थैंक यू बोलते हैं फुबुकी को उनकी बॉडी को रेनफोर्स करने के लिए, क्योंकि अब उन्हें घुटनों में दर्द नहीं है। देख रहे हो, बूढ़े लोग सिर्फ घुटनों का दर्द हटते ही कुछ ऐसे बिहेव करते हैं। इसके बाद ये दोनों मिलकर अपना कॉम्बो अटैक करते हैं रोवर पर, इस होप के साथ कि भले ही ये जायंट सेंटीपीड पर काम नहीं किया लेकिन रोवर पे तो ये अटैक काम कर ही सकता है ना। और शो भी हमें यही करा जाता है कि उन दोनों ने मिलकर रोवर को ढेर कर दिया, जो देख के फुबुकी भी काफी ज्यादा सरप्राइज होती है और यही सोच सोच के पसीने छोड़ने लग जाती है कि हाँ मैंने सुना था डेट ही वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन यार कुछ तो लिमिट्स होंगी ना उसकी, यानी सिल्वर फैंग की। और वो पलटते ही देखती है बॉम्ब की तरफ, जो कि भले ही एस क्लास हीरो नहीं है लेकिन बैंग की बराबरी करता है अटैकिंग पावर में। अब ऐसी पावर देखने के बाद वो खुश हो रही होती है कि कहीं मैंने तुक्के से बहुत ज्यादा तगड़े फुबुकी मेंबर तो डिस्कवर निकल लिया ना। और वो डिसाइड करती है कि कैसा ना कैसे करके वो उन दोनों को नए फुबुकी ग्रुप में ज्वाइन करा के ही छोड़ेगी। लेकिन सरप्राइजिंगली पीछे से रोवर उठ जाता है, जो देख के बैंग और बॉम्ब दोनों शॉक्ड और फुबुकी भी लाइक। अब ऐसा होते हुए देख के यार बैंग का तो बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा होता है, समझ में नहीं आ रहा होता है कि इस कुत्ते का क्या करें। और ऐसे ही वो कैजुअली सिट एंड बिहेव बोल देता है इससे, तो इस पर रोवर चुपचाप शांति से बैठ जाता है, जो देख के ये तीनों शॉक्ड के बस इतना ही बोलना था कि इसे शांत कराने के लिए। अब रोवर ऐसा क्यों कर रहा है, तुमने ये वीडियो देखी तो तुम्हें पता ही होगा कि इस सब के पीछे सही टमा का हाथ है, जो कि फिलहाल में यानी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मॉन्स्टर एसोसिएशन की रोलर कोस्टर राइड के मजे ले रहा होता है। अगेन सब कुछ है इस वीडियो में। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है किंग, जिसका की सामना फिर से एक बच्चे से होता है, और इस बार ये रियल बच्चा था, कोई मॉन्स्टर नहीं था एक बच्चे के बेस में, क्योंकि भले ही किंग इसको नहीं जानता था लेकिन हम सब जानते हैं कि ये तारियो है। अब भैया किंग को देखते ही तारियो बड़ा खुश कि वो बच जाएगा, अब जा सकता है, निकल सकता है मॉन्स्टर एसोसिएशन से। लेकिन किंग को अभी भी शक था कि कहीं फिर से ये बच्चे के बेस में कोई मॉन्स्टर तो नहीं है, इसलिए वो दूर रहने को बोलता तारियो से कि मेरे पास मत आना, इट्स यूजलेस, आई ऑलरेडी नो। जिस पर तारियो भी लाइक नो What? लेकिन इस पे पहले तो किंग कुछ नहीं बोलता, सीधे उसे घूरे जा रहा होता है और इसके बाद उससे बोलता है अपनी आइडेंटिटी छुपा के तुम मुझ पे स्नीक अटैक करना चाह रहे हो ना, मुझे पता है यही तुम सबका नेचर है। एंड गेस व्हाट, इसके बाद क्या होता है, जो तारियो था ना उसके पीछे एक इनविजिबल मॉन्स्टर प्रेजेंट था और वो मॉन्स्टर यूं समझता है कि किंग उससे बोल रहा है ये सब चीजें, जिस पे तारियो तो शॉक्ड था ही, साथ ही साथ वो मॉन्स्टर उससे भी ज्यादा शॉक था कि किंग को कैसे पता चला कि वो वहां पे प्रेजेंट है। एंड ऑब्वियसली सारे मॉन्स्टर्स की तरह ये मॉन्स्टर भी बिना लड़े किंग से वहां से भाग जाता है। इसके बाद सबसे पहले तारियो और किंग एक दूसरे को देखते हैं कि भैया ये हुआ क्या। एंड देन किंग तारियो से बोलता है कि मॉन्स्टर्स आर स्कैरी, क्या तुम हाथ पकड़ना चाहोगे मेरा। अब मॉन्स्टर सबसे ज्यादा स्कैरी किसके लिए थे तुमको पता ही है, और ये जो मॉन्स्टर भाग कर गया है ना इसको और बहुत सारे और मॉन्स्टर्स को एब्जॉर्ब कर रहा होता है उरोचि। जी हाँ, उरोचि मरा नहीं है, उसका हार्ट अभी भी जिंदा है जो कि एब्जॉर्ब कर रहा है मॉन्स्टर्स को रिकवर करने के लिए, और इसी रिकवर करने की कोशिश में वो पूरे मॉन्स्टर एसोसिएशन में फैलता ही जा रहा है। और यही सब करने के दौरान उसे बहुत ही पावरफुल फोर्स महसूस होती है, और ये फोर्स और किसी की नहीं तात्सुमा की और साइकोस की बैटल की थी, और ये लप्पू सा उरोचि इन दोनों को एब्जॉर्ब करने की सोचता है इतना ज्यादा कमजोर होते हुए भी। इसके बाद वापस हमें किंग दिखाया जाता है जो कि सीढ़ियां चढ़ रहा होता तारियो के साथ, और उसका जो हार्ट है और भी तेजी से बीट कर रहा होता, नॉट बिकॉज वो डर रहा था बल्कि बंदा गेम खेलते खेलते इतना अनफिट हो गया है कि उससे स्टेयर्स भी नहीं चढ़ी जा रही, इवन तारियो भी आराम से चढ़ रहा था लेकिन किंग पे ऐसा नहीं हो पा रहा। और दूसरी तरफ तारियो वो उसका किंग इंजन सुन के ये बोलता है डेट्स व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम किंग, हमेशा रेडी रहता है बैटल के लिए। इतने में उन दोनों को एलिवेटर मिल जाता है और वो दोनों चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं उसे। इसके बाद कहानी में तगड़ा ट्विस्ट आता है, साइकोस और रुचि दोनों कंबाइन कर जाते हैं और तात्सुमाकी पे भारी पड़ने लगते हैं, इवन उसे भारी डैमेज भी पहुंचाते हैं। और ऐसा तात्सुमाकी के साथ पहली बार हो रहा होता है कि कोई उसे इतना भारी डैमेज पहुंचा रहा है। लेकिन हमें ये रिवील करा जाता है कि तात्सुमाकी अपने आप को होल्ड बैक कर रही थी क्योंकि उस मॉन्स्टर एसोसिएशन में हॉस्टेज भी था, लेकिन किंग जब बोलता है उस ट्रांसपोंडर के थ्रू कि बच्चा मेरे प्रोटेक्शन में है और हम सरफेस की तरफ जा रहे हैं, तब जाके तात्सुमा की अपनी रियल पावर शो करती है और किंग से और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। अब लेट मी टेल यू, तात्सुमा की बेसिकली करती क्या है सो डेट किसी को हार्म भी ना पहुंचे और वो अपनी फुल पावर का यूज भी कर सके। सबसे पहले तो वो सारे हीरोज के अराउंड एक बैरियर क्रिएट करती है यूजिंग देयर ट्रांसपोंडर टू पिनपॉइंट देयर लोकेशन, और इसके बाद वो सरफेस को चीरते हुए मॉन्स्टर एसोसिएशन को पूरे सरफेस पे ले जाती है, जो देख के साइक्रोची
यानी साइकोस प्लस उरुचि को ये रियलाइज होता है कि तात्सुमा की अभी तक होल्ड बैक कर रही थी, यानी फाइनल बैटल तो अभी बाकी है तात्सुमा की के साथ उसकी। अब इस दौरान सारे हीरोज के साथ क्या क्या होता है वो और बता देता हूँ। सबसे पहले तो बैंग, बॉम और फुबुकी, ये तीनों बैरियर में आ जाते हैं। लेकिन तुम्हें तो याद ही होगा इन तीनों में से किसी के भी पास ट्रांसपोंडर नहीं है, लेकिन स्टिल बैरियर क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि भैया फुबुकी तात्सुमाकी की बहन है, इसलिए उसे अपनी बहन को ढूंढने के लिए किसी ट्रांसपोंडर की जरूरत नहीं है। इसके बाद चाइल्ड एम्परर बच जाता है इस बैरियर की वजह से इवन नेचुरल वाटर से, साथ ही साथ एटॉमिक समुराय के ये तीनों डेसिपल भी बच जाते हैं। लेकिन इयान यानी इस बंदे को होश आता है, वो ये गौर करता है कि वो सब तो बच रहे हैं लेकिन ये सारे लोग नीचे ही रह गए हैं जिनको कि उसने छमिया से बचाया था, जिस वजह से वो ये जानते हुए भी कि कितना खतरा है वो उस बैरियर को तोड़ के उन सारे लोगों के पास चलाया था। और तात्सुमाकी से कहता है बड़ा बैरियर क्रिएट करने की, लेकिन भैया तात्सुमाकी किसी और ही चीज़ में बिजी थी जो कि मैंने तुम्हें अभी एक्सप्लेन करा, तो वो ऐसा कर नहीं पाती है। अगले ही सीन में देखते हैं हम पिग गॉड को, जिसको कि गम्स खाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन खा नहीं पा रहा होता है बैरियर की वजह से, और वो उस बैरियर को तोड़ के इस धरती पे बोझ को खाने वाला होता है, लेकिन उसे होश आता है और पिग गॉड बच जाता है। इसके बाद फुरी फुरी प्रिजनर भी बच जाता है, और साथ ही साथ अमाई मास्क जो कि बच्चों की तरह रो रहा था वो भी बच जाता है अगली फर से, या फिर फरार अगली जो भी है। इसके बाद हमें दिखाया था ज़ोंबी मैन, जिसकी की बहुत ज्यादा चीर फार कर दी थी होमलेस एम्परर ने, जिस वजह से तात्सुमाकी का वो बैरियर उसे कवर नहीं कर पाता, क्योंकि भैया कवर तो वो ट्रांसपोंडर के थ्रू ही कर रहा है ना सारे हीरोज को। और रही बात फ्लैशी फ्लैश की, तो भैया सही टाइम उसके साथ था, उसे तात्सुमाकी या फिर उसके प्रोटेक्शन की कोई भी जरूरत नहीं थी, और ऊपर से अगर जरूरत पड़ती भी तो उसका ट्रांसपोंडर भी तो खो गया था, तो तात्सुमाकी उसकी मदद कर ही नहीं सकती थी वैसे भी। इसके बाद हमें दिखाया था एटॉमिक समुराय, जो कि बहुत बुरी हालत में होता है ब्लैक स्पम की वजह से, लेकिन तात्सुमाकी के उस बैरियर की वजह से बच जाता है। एंड एट द एंड डार्क शाइन, जो कि गारो से लड़ने में बिजी था और हारने ही वाला था, लेकिन तात्सुमाकी बीच में आ जाती है और उसे बचा लेती है गारो से। अब इसके बाद क्या होता है जानेंगे अगली वीडियो में। दैट्स इट आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो के साथ नया फेस शुरू होगा मॉन्स्टर एसोसिएशन का, स्पेसिफिकली बोलूं इस ओपीएम सीरीज का, तो सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में।